गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में समुच्चय के बारे में अध्ययन किया था। सभी छात्रों ने इस पर नोट्स बना लिए होंगे। आज हम समुच्चय के प्रकार देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि रिक्त समुच्चय कैसे कहते हैं। एक समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है रिक्त समुच्चय कहलाता है। इसे हम हाई से या खाली ब्रैकेट से दर्शाते हैं। यहाँ एक उदाहरण लिख के चलते हैं। ए, इसमें ऐसे अवयव जो एक से बड़े हैं या दो से छोटे हैं और प्राकृतिक संख्याओं। तो हम जानते हैं कि कोई भी प्राकृतिक संख्या ऐसी नहीं होती जो एक से बड़ी हो और दो से छोटी हो, अतः ये जो है रिक्त समुच्चय होगा। इसी प्रकार जो अन्य उदाहरण दिए इनको अच्छे से ध्यान से देखें और इसको नोट करें। अगला परिभाषा है परिमित एवं अपरिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय कैसे कहते हैं? जिसमें अवयव की संख्या निश्चित या सीमित होती है। और अपरिमित समुच्चय किसे कहते हैं? जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित या सीमित नहीं होती है, अनंत होती है। समान समुच्चय किसे कहते हैं? दो समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या बराबर और समान हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ ए में अवयव हैं 1, 2, 3, 4 और बी में अवयव है 3, 1, 4, 2। दोनों समुच्चय के अवयव एक से हैं, इनमें सिर्फ क्रम भर बदला है, अतः ए बराबर बी, यानी ए समान है बी के। अब यहाँ एक प्रश्न वाली है 1.2, ये हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं, जिसको आप सभी करके हमको चेक कराएंगे। पहले क्वेश्चन में हमको जो चार क्वेश्चन दिए इनमें हमको पहचानना है कौन सा रिक्त समुच्चय है और कौन सा नहीं है। दूसरे क्वेश्चन में हमको यह देखना है कौन सा परिमित समुच्चय है और कौन सा अपरिमित समुच्चय है। अगले क्वेश्चन तीसरे में भी हमको यह देखना है कि परिमित और अपरिमित समुच्चय पहचानना है। चौथे क्वेश्चन में हमको दो समुच्चय बराबर हैं अथवा नहीं है ये पहचानना है। अगली परिभाषा है उपसमुच्चय। यदि एक समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी अवयव हो तो ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है। तो गणित की भाषा में यदि ए बिलोंग्स टू ए तो बी बिलोंग्स टू बी, इसके बीच में हम एम्प्लाई का चिन्ह का उपयोग करते हैं। तो यदि ए उपसमुच्चय बी का, तो इसको हम गणित की भाषा में कैसे दिखाते हैं? यदि ए बिलोंग्स टू ए, दिस एम्प्लाई ए बिलोंग्स टू बी। हम यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, इसमें समुच्चय फाई ए बी सी दिखाए गए हैं और नीचे क्वेश्चन में हमको खाली स्थान में उपसमुच्चय है अथवा उपसमुच्चय नहीं है, ये हमको इसको पहचान करके इसमें भरना है। अगली परिभाषा है घात समुच्चय। एक समुच्चय ए के सभी उपसमुच्चयों के संग्रह को ए का घात समुच्चय कहते हैं। इसे पी ए से व्यक्त करते हैं। तो एक उदाहरण लिखा है ए बराबर, जिसमें अवयव है 1 और 2। इसका घात समुच्चय में कौन कौन से अवयव होंगे? फाई, समुच्चय 1, समुच्चय जिसमें 2 है और समुच्चय जिसमें 1 और 2 है। तो कितने अवयव हो गए? 1, 2, 3, 4। तो इसके घात समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी हो गई? 4। इसको व्यापक रूप में यदि ए में अवयवों की संख्या एम हो तो घात, इसके घात समुच्चय में अवयवों की संख्या होगी 2 की घात m। अब हम यहाँ सार्वत्रिक समुच्चय के बारे में देखेंगे। सार्वत्रिक समुच्चय किसे कहते हैं? एक ऐसा समुच्चय जिसमें सभी उपसमुच्चय या सभी समुच्चय समाहित हो। इसका मतलब ये होता है कि सार्वत्रिक समुच्चय ऐसा समुच्चय होता है जिसमें हम जितने भी उपसमुच्चय लेके चलते हैं या समुच्चय लेके चलते हैं वो सब उसके उपसमुच्चय हो। अब हम प्रश्नावली 1.3 की बात करते हैं। इसमें क्वेश्चन में हमको जो रिक्त स्थान है उस पर उपसमुच्चय है अथवा उपसमुच्चय नहीं है, इसको सही भरना है। तो यहाँ पर देख लेंगे कि कौन कौन सा उपसमुच्चय है अथवा कौन सा उपसमुच्चय नहीं है।